देने के लिए चलती का नाम गाड़ी नहीं, यहां पर मोटरसाइकिल कीजिए, जिसके जरिए बीजेपी प्रचार करती ही नजर आएगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से परिषद के केंद्रीय सहमंत्री आनंद प्रकाश गोयल ने केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर ललकारा। गोयल ने अपने संबोधन में केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और यहां तक कहा कि देश में ना तो राम मंदिर बन रहा और ना ही गो हत्या पर कानून बन रहा। देश में हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। और तो और, केंद्र सरकार ने धारा 370 पर भी केंद्र सरकार का कोई फैसला नहीं आया, जबकि इन्हीं सभी वादों पर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। स्थापना दिवस पर विश्व हिंदू परिषद के इस मैसेज की कई तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। इस दौरान आपको जानकारी ये भी दे दें कि कुछ दिनों पहले वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भी इसी तरह के बयान दिए थे और उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। इधर अब वीएचपी के ताजा बयान ने राजनीतिक हलकों में एक नई हलचल मचा दी है। चुनावी साल के मद्देनजर वीएचपी के इस बयान को काफी अहम भी माना जा रहा है। आज इस अवसर पर हम देखें।